अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्ट मेंटर चैनल में आपको खुश आमदीद करता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर और जवाब यूनस, और आज जो क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है 3D। 3D बहुत ज़्यादा नीचे ज़्यादा यूज़ होने वाला ज़्यादातर आजकल मार्केट टूल बन गया है। तो एडोब इलस्ट्रेटर में 3D कैसे करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊँगा कि 3D कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में करते हैं, और कैसे जो डिज़ाइनर हैं जिनको 3D मैक्स या दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं आते वो 3D मैक्स में 3D कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इधर बटन आ रहा होगा और आपकी वीडियो पे राइट कॉर्नर पे आ रहा होगा रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का, उससे जाके सब्सक्राइब करें। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरी ये ट्यूटोरियल देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, 12 टिप्स अपलोड की हैं इलस्ट्रेटर की और 19 ट्यूटोरियल अपलोड किए हुए हैं, तो आप इधर से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। चलो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। अपने ट्यूटोरियल में मैं आपको सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा किसी भी शेप पे आपने 3D इफेक्ट कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट करें मैं जो है एक पॉलीगॉन ले लेता हूँ। पॉलीगॉन में मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3D अप्लाई कर सकूँ, तो फर्स्ट करें इसको येलो कलर ही ले लेता हूँ। येलो कलर मैंने ले लिया, इफेक्ट पे मैं जाऊँगा और उसके बाद मैं 3D पे जाऊँगा। सबसे पहले जो आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो एक्सट्रूड एंड बेवल को सिखाने जा रहा हूँ। एक्सट्रूड जैसे कि नाम से पता लगता है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रूड करने के लिए हम एक्सट्रूड का या बेवल करने के लिए हम लोग जो है ना यूज़ करेंगे ये वाला इफेक्ट। तो हम डायरेक्टली जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस सबको देखने के लिए आपको जो है ना सबसे पहले आपने क्लिक करना है प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप ओके करते हैं तो हमें कैसा इफेक्ट मिलेगा। फर्ज करेंगे अगर मैं इसी को ओके कर देता हूँ तो ये वाला इफेक्ट जो प्रीव्यू पे आ रहा है सेम टू सेम वही वाला इफेक्ट आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल जी में कर देता हूँ तो मैं दोबारा जाता हूँ 3D पे, बेवल एंड बॉस पे जाता हूँ, स्टूडेंट बेवल पे जाता हूँ। अब इधर हमारे पास ऑप्शन आ रही है, सबसे पहले मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। इधर से अगर आप रोटेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं इस चीज़ को रोटेशन। इसके अलावा आपके पास ये भी एंगल्स भी आ रहे हैं, एंगल्स से ज़्यादातर मैं बहुत कम क्लियर करता हूँ क्योंकि इधर से आपको समझ नहीं आती कि यार आपने कौन सा एंगल रखना है, जो कि टेक्निकल लोग नहीं है वो चीज़ समझते नहीं है कि जो ना एंगल किस तरह आपने रखना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आपने अगर इसको ऊपर नीचे करना है या किसी भी शेप में करना है तो आप इस तरह यूज़ करें। तो फर्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आता है वो आता है पोजीशन। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने फ्रंट के थ्रू देख रहे हैं, आप बैक साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से देखने में ये चीज़ कैसी लगेगी, राइट साइड से देखने में कैसी लगेगी, टॉप से देखने में ये चीज़ कैसी लगेगी, टॉप व्यू कैसा लगेगा, बॉटम व्यू इसका कैसा है, उसके बाद ऑफ एक्सेस क्या है, कैसे लगेगा, बैक से कैसा लगेगा। इसके हर व्यू आपको एक एक व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी चीज़ का एक एक व्यू ये देगा, ये व्यू कैसे लगेगा, ये व्यू कैसा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, आप किसी भी तरह की इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट करें मुझे ये चीज़ पसंद आ रही है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता, ओके कर देता हूँ तो डायरेक्ट जस्ट ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन। इसको मैं पकड़ के साइड पे ले जाता हूँ और दोबारा से मैं एक फर्स्ट करें मैं एक इस बार रेक्टेंगल ले लेता हूँ। फिर मैं अपने इसी स्लाइडर पर जाता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद एक्सट्रूड एंड बेवल पे फिर दोबारा मैं जाऊँगा, फिर इसको प्रीव्यू करूँगा। तो ये ऑप्शन, ये ऊपर वाली ऑप्शन मैंने आपको बता दी, ये एंगल्स भी बता दी। उसके बाद अपने पर्सपेक्टिव, आपने इसका करेक्ट पर्सपेक्टिव करना है कि 3D लुक फुल आए, तो उसके लिए आप इसके पर्सपेक्टिव भी मूवमेंट कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस से मूवमेंट कर सकते हैं। इसको आप साइड से कर लें तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि पर्सपेक्टिव में ये चीज़ कैसी लग रही है। 51 पर्सपेक्टिव में उसको काम किया तो ये 3D लुक इसका ओवर आई गया। उसके बाद जो है ना एक्सट्रूड हमारे पास आता है। एक्सट्रूड का मतलब ये है कि आपने जो है ना कितना इसको आगे बड़ा करना है, ये देखें जितना भी आप चीज़ को बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब ये है, एक्सट्रूड एंड बेवल है ना, तो ये एक्सट्रूड का ऑप्शन है।
ये देखते हैं, आप किसी भी तरह चाहें आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो ऑप्शन आती है कि ये सॉलिड को जो है ना वो कर लेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट होगा उसको डिसअपीयर कर देगा और साइज उसकी जो है ना वो विजिबिलिटी में ले आएगा। तो ये देखेंगे ये सिंपल सी ऑप्शन आपके पास आ गई, ये दोनों का ये ऑप्शन आ गया। तो नेक्स्ट नन पे जो है ना ये ज़ीरो नज़र आ रही है हाइट वगैरह, वो हम लोग जो है ना कोई और चीज़ की क्लासिक अगर ट्राई करना है चाहें क्लासिक को कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चाहें कॉम्प्लेक्स को, शेप के साथ फायदा है वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आपने कैसे करना है, रोलिंग करना है, रोटेट करना है, साइज से उसके कॉर्नर रोटेट हो गए। तो उसके बाद ये हाइट भी अगर आप छेड़ना चाहें, ये देखें ये मैंने छेड़ा और इसको ये चीज़ बना दिया, कितना ज़बरदस्त सा फ्रेम इफेक्ट आ गया। कोई भी फ्रेम बनाने के लिए ये देखेंगे ब्लू फ्रेम बन गया हमारे पास, ये ब्लू फ्रेम बन गया। इसको मैं पकड़ के साइड पे कर लेता हूँ, अच्छी चीज़ है, इसको पकड़ के सेव कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ। फिर मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, फिर मैं कोई चीज़ क्लिक कर लेता हूँ और जो है ना कोई और कलर कर लेता हूँ। फिर से मैंने इस बार रेड ले लेता हूँ, दोबारा मैं जाता हूँ इस पर और एक्सट्रूड एंड बेवल पे चला जाता हूँ। एक्सट्रूड एंड बेवल पे जाता हूँ तो मैं फिर दोबारा यू कर लिया और ये चीज़ लास्ट थी, तो अब इसको इस तरह ही रहने में ये ऑप्शन आपको समझ आ गई कि आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये जो हमारे पास ऑप्शन है कि जो है ना कि ऑब्जेक्ट को ये एक्सक्लूड करेगा या साइड को एक्सक्लूड करेगा, ये तो हमारे पास ऑप्शन थी कि साइड को ख़त्म कर दे और ये जो है ना मेन सब्जेक्ट ख़त्म कर दे और जो है ना ये है था कि जो है ना इनसाइड उसको चला जाए। और ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये जो है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड होते हैं, इसलिए हम लोग ये कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे बाहर से अब ऐड हो रहा है इधर से अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आती है वो है सरफेस की, सरफेस आप किस तरह रखना चाह रहे हैं। ये आप देख रहे हो कि लाइट अपनी हद में इधर से पड़ रही है, अगर मैं इसको चाहूँ लाइट के डायरेक्शन में चेंज कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड पे मैं कर रहा हूँ, ये देखें लेफ्ट साइड के डायरेक्शन आ गई लाइट की। इसको मैं पकड़ के लेफ्ट साइड लेफ्ट क्लिक से बस ड्रैग करना है मैंने, इसको मैं चाह रहा हूँ सेंटर में लाइट है, सेंटर में लाइट आ गई। सिंपल, कोई ज़्यादा बड़ी साइंस वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें लाइट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ये मैंने क्लिक किया एक लाइट ऊपर से आए एक लाइट नीचे से आए, तो ये ऑप्शन आपके पास आ गई सिंपल। अगर आप लाइट को डिलीट करना चाहें जस्ट क्लिक करेंगे डिलीट और वो डिलीट हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी लाइट कम या ज़्यादा करने के लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एम्बिएंट लाइट के लिए आप जो है ना इसको भी छेड़ के वो कर सकते हैं, इंटेंसिटी लाइट की तरह वो कर सकते हैं, हाईलाइट इसके डार्क और शेडोज वगैरह के लिए वो आप इस चीज़ को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखें ओके। उसके बाद ब्लेंड स्टेप, ब्लेंड स्टेप में कितने स्टेप्स में लाइट जाए, अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये देखें ज़्यादा लाइट स्टेप्स ब्लेंड हो गए, और इसको कम करेंगे तो इसमें फर्क आ जाएगा। वैसे नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये सब ऊपर वाली चीज़ मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है कि कलर, कलर आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कलर की लाइट यूज़ करना चाहते हैं। कस्टम अगर आप ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, नन करना चाहें तो नन भी हो सकता है। सब करें मैं कस्टम यूज़ करता हूँ, कस्टम में मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर की लाइट पड़े, तो ये देखें ग्रीन कलर की रेड के साथ मर्ज होकर जो लाइट आती है बनती है, और हमारी शेप रेड कलर की है और रेड ग्रीन कलर की हम उस पर लाइट फेंक रहे हैं, तो ये इफेक्ट आ गया। और यही चीज़ अगर मैं इसको ग्रीन से हटा के ब्लू के साथ कर लेता हूँ तो ये ब्लू के साथ मर्ज होकर ये चीज़ आ जाएगी। तो वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसको किस तरह मोमेंट करूँगा और किस तरह से हमारा लाइट जिस तरफ से लाइट फेंकूँगा उस तरफ से बहुत चीज़ कलर आ जाएगी। तो ये सिंपल सी टेक्निक है कि आपने किस तरह इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। तो ये ऊपर वाले सब मैंने आपको बता चुका। नेक्स्ट जो हुआ है कि आपने स्पॉट लाइट, स्पॉट कलर, एक कलर को इस तरह फेंकना है एक जगह पे फेंकना है, तो उसके लिए जो है ना आप स्पॉट कलर यूज़ करेंगे। मैं ज़्यादातर इस चीज़ को यूज़ नहीं करता। उसके बाद ड्रॉन फेसिस भी सेम टू सेम इसी तरह ही है, थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए। उसके बाद आता है मैप आर्ट, मैप आर्ट क्या चीज़ है।
मैं पार्ट ये है कि अगर आप कोई भी सिंबल्स क्रिएट करते हैं तो उसमें अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में वो सिंबल डालना चाह रहे हैं, इस तरह मैं बना बनाए एक सिंबल ले लेता हूँ, मैं ये वाला सिंबल ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाए, वो मैं कैसे करूँगा, मैं जस्ट उसको अपनी मर्जी से रोटेशन कर लूँगा और ऐड करवा लूँगा। तो ये देखो ये हमारे पास ऐड हो गया, तो जब मैं इधर से ओके करूँगा, इधर से ओके करूँगा तो ये देखेंगे हम, तो ये आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट सिंबल हमारे ऑब्जेक्ट में ऐड हो गया है। उसके अलावा आप कोई भी सिंबल बना सकते हैं जो कि आपकी 3D में आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, आप सिंबल में जैसे आएंगे, आप कोई भी सिंबल क्रिएट कर लेंगे। फिर तरह मैंने ये एक सिंबल बना लिया और इसको मैं दे देता हूँ कलर, ऑरेंज कलर दे देता हूँ, हाँ चाहिए ऑरेंज कलर दे देता हूँ इसको। अगर मैं सिंबल में ऐड करना चाहूँ, ये देखें ये सिंबल में ऐड हो गया। फिर मैं दोबारा फर्ज करें, मैं फिर दोबारा कोई चीज़ बनाता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर दे देता हूँ। फिर मैं इफेक्ट पे जाता हूँ, 3D पे जाता हूँ और जो है ना अपने एक्सट्रूड एंड बेवल पे जाता हूँ। फिर दोबारा उसी जगह पे जाता हूँ मैं पार्ट में, तो फिर मैं ये देखूँगा कि हमारा सिंबल जो हमने ये बनाया था ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ मैं इसके ऐड। तो ये सिंबल्स जो ऑप्शन जो टेक्निक्स हैं कि जाना कि आपने कैसे इसको 3D पे यूटिलाइज करना है, यही सेम टू सेम चीज आप किसी टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रूड एंड बेवल टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू देता चलूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फर्ज करें मैं एक टेक्स्ट टिक लेता हूँ, आर्टिस्टिक मेंटोर के नाम से मैं लिख देता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यार इसी में मुझे 3D इफेक्ट तुम लोग ला के दिखाओ। तो उसके लिए मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं कलर अपनी मर्जी से चूज कर लेता हूँ, लाइट ब्लू कलर जो कि मेरी थी। मैं इस पर जाऊँगा, एक्सट्रूड पे जाऊँगा और बेवल पे जाऊँगा और इसको प्रीव्यू कर लूँगा। प्रीव्यू जब करूँगा ये हमारे पास ऑप्शन आएगी कि किस तरह एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड की अगर ऑप्शन आपने कम करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने बढ़ानी है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से जस्ट इसको लिखना भी चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, 10% जस्ट हो जाए तो ओके हो गया 10%। ये देखिए 10% इतने में कर दी। तो इसी तरह लाइट का इफेक्ट भी आप डिफरेंट तरीके से इसमें डाल सकते हैं, इसके जो जो शेप पे आप चीज़ अप्लाई कर सकते थे वो सेम सेम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको डिफरेंट व्यू से देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद के आप किसी भी तरह इस पर वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो सेम टू सेम आप शेप पे अप्लाई करते थे। मैप आर्ट पे अगर आप चाहेंगे तो मैप आप पे मैप आर्ट भी आप इसमें सेम टू सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट की तरह सब्जेक्ट की तरह अपने अप्लाई कर सकेंगे मैप आर्ट भी इस पर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको लिटल बिट इसको मूवमेंट कर देता हूँ, इसको जैसे मूवमेंट कर देता हूँ अपनी मर्जी से, और फर्ज करें ये चीज़ मुझे पसंद आ गई है यार ओके है ये। इसको मैं इधर से लाइट फेंकता हूँ, इसको मैं इस जगह से लाइट फेंकता हूँ और इसके फ्रंट से लाइट दे देता हूँ, बैक साइड ऊपर जो है ना ये कोई मसला नहीं है। इसको जस्ट ओके कर दूंगा तो ये हमारे पास ऑप्शन ये चीज़ की आ जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट टूल जो हमने एक्सट्रूड और बेवल पढ़ा। ये बहुत अच्छा टूल है और ज़्यादातर हम लोग 3D की चीज़ें जो 3D में जाके बनाते थे फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे इधर, उस झंझट से बचने के लिए इलस्ट्रेटर में ही हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं और 3D चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप 3D रूम भी बनाना चाहें वो भी आप इसमें आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक्स ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। 19 ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है, एक एक चीज़ करके मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और ये टिप्स जो मैंने अपलोड किए हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टिप्स है, जहाँ बंदा आके फंसता है वो टिप्स मैंने अपलोड की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जवाब ही नक्सर जाकर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।